उत्तरकाशी जिले में आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत संचालित सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सा परिसर में कार्यक्रम का शुभारंभ कर अभियान के प्रचार प्रसार के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला हॉस्पिटल के नेत्र विभाग में स्थापित अत्याधुनिक उपकरणों का लोकार्पण करने के साथ ही हॉस्पिटल के डेंगू वार्ड समेत अन्य वार्डों में भी जायजा लिया है। आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के संबोधन को सुनने के बाद जिला स्तर पर आयुष्मान भव अभियान की विधिवत लॉन्चिंग की गई है। और इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान हॉस्पिटलों से लेकर गाँव स्तर तक शिविर आयोजित कर आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी बनाने समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का लक्ष्य 100% पूरा करने की अपेक्षा है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। योजना का भी आज शुभारंभ किया गया है। ये राष्ट्रीय राज्य और जनपद स्तरीय स्तर पर इसका उद्घाटन हुआ है। और इस योजना के तहत हमारा अनुरोध है और आह्वान है जनपद के सभी क्षेत्रवासियों से कि सभी लोग जल्दी से जल्दी आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और जो सरकार की मुहिम है इसमें पहल है कि जो सभी लोगों के 100% आयुष्मान कार्ड बन जाए, आभा आईडी बन जाए। और जो एक कार्यक्रम है NCD स्क्रीनिंग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग करी जाती है। और इसमें जो 30 साल से ऊपर के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, वो तो जिस गांव में या वार्ड में ये सैचुरेशन हो गया तो सभी का करना, जिनका 100% हो गया तो वो भी एक हमारे पास एडवांस्ड माइक्रोस्कोप आया है कार्डियक का, और दूसरा एनडी आर्कियोप्टोमी वाली एक मशीन आई है, जिससे कि उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा जिनको मोतियाबिंद के ऑपरेशन के उपरांत भी कई बार मोतियाबिंद के बाद जो हम लेंस डालते हैं उस लेंस में झिल्ली आने की वजह से नहीं दिखाई देता।